गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आम आकांक्षा एंड टुडे आई एम हियर विद अ वेरी वेरी स्पेशल मीशो होम डेकोर किचन डेकोर हॉल वीडियो। ये मेरी दिवाली की ऑलमोस्ट इस मंथ की लास्ट वीडियो है मीशो से, एंड मीशो पे ऑलरेडी शुरू हो चुकी है दिवाली की सेल जो कि 27th October से शुरू हो रही है। सो मीशो की जो दिवाली की सेल है वो 27th October से 5th November तक है। सो कुछ बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइज़र जो मीशो के हैं वो मैंने मंगाए हैं दिवाली डेकोर के लिए, दिवाली के लिए स्पेशली। सो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना बिकॉज इसमें कुछ प्रोडक्ट बहुत ही वाव हैं, बट उनके बहुत सारे रेप्लिका अवेलेबल हैं ऑनलाइन सारी वेबसाइट पर, इनफैक्ट मीशो पर भी। सो अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आप स्किप कर दोगे और आप कुछ और परचेज कर लोगे जो क्वालिटी वाइज उतना अच्छा नहीं होगा, जिसका साइज़ छोटू होगा, जो उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना मत करना, ये बहुत वाव वीडियो है। इस वीडियो में आपको बहुत वाव प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, अमेजिंग प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज बेल आइकन को हिट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के पहले आपको एक दो वीडियो शायद और मिल जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज के इस हॉल को। सो आज का जो वीडियो गाइज, इसमें जो भी प्रोडक्ट है ये मेनली किचन डेकोर के हैं, बट आप इसको होम डेकोर की तरह यूज कर सकते हो। मल्टी यूज के ऑप्शन हैं, मल्टीपल फंक्शन वाले ये प्रोडक्ट हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इस तरीके के बॉक्स में आया है और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है। सो ये वाइट कलर का मल्टी फंक्शनल एक बास्केट है जो कि अंडर कैबिनेट शेल्फ बास्केट है, वायर बास्केट है, यू कैन सी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात इसका साइज़ बहुत अच्छा है, ये अच्छे खासे हैवी साइज़ में आया हुआ है। सो ये मेटल है, मेटल इसका जो मटेरियल है दैट इज़ मेटल, ये स्टर्डी मटेरियल है। आई मीन ये मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि बहुत रॉक सॉलिड है, बट हाँ बहुत सॉलिड है। अदर जो भी प्रोडक्ट थे, जो भी रिव्यूज़ थे उनकी कंपेटिवली, वायर बास्केट है। इसमें आपको स्टोरेज का ऑप्शन भी मिल रहा है, इसमें आप स्टोरेज भी कर सकते हो। यहाँ से आपको इसे इंसर्ट करना है दोनों साइड से, जो किचन कैबिनेट होती है उसके अंदर में ऐसे, तो ये बाहर की तरफ अटकेगा, यहाँ पर आप स्टोरेज कर सकते हो। वैसे तो इस पर लोगों को मैंने देखा हुआ है पिक्चर्स में कि लोग टिश्यू बॉक्स के अलावा इस पर कप, मसाला दानी और पता नहीं क्या क्या रख देते हैं। तो आप ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट अगर रखोगे तो कितने दिन तक और कितना ही वेट होल्ड करेगा, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट। पर हाँ छोटे मोटे कप्स वगैरह, टिश्यू पेपर, किचन टॉवल, इस तरीके की चीज़ें, या कोई हल्की मसाला दानी है या कोई हल्का ऑर्गेनाइजर या कोई बॉक्स है, वो आप इस पे रख सकते हो। पेपर टॉवल के लिए है, किचन टॉवल के लिए है, आई मीन जो पेपर किचन टॉवल रोल आता है उसके लिए दिया हुआ है। इस पे यूजुअली लोग कप भी लटका देते, तो मैं आपको बता दूँ वैसे तो ये सॉलिड है बट ये हल्का सा बेंड हो रहा है, हल्का हल्का सा, बिकॉज ये नीचे की तरफ बेंड किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा हैवी कप्स, आई मीन कॉफ़ी मग्स जो बड़े वाले होते हैं, यहाँ पर हैंग करोगे ना तो एक टाइम के बाद ये ऐसे बेंड हो ही जाएगा। सो मेरा सजेशन ये कि इस पे आप टिश्यू रोल्स जो होते हैं, किचन टॉवल टिश्यू रोल्स जो होते हैं, वो यहाँ पर आप लगा करके रखो, रोल करके उसको निकालने में भी आसानी होगी। तो ये मैंने परचेज़ किया हुआ है 492 रुपीस में, एंड इसका जो साइज़ है और इसकी जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंगली इट्स वर्थ बाइंग। बहुत अच्छा पेंट है, कहीं से भी निकला नहीं हुआ है, और ये एक हैवी वन है, वेटेड है ये। सो फ्रॉम माय साइड देयर इज अ बिग थम्स अप, यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस वन। सो गाइस आज की वीडियो में जो प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहे हैं वो 300 रुपीस से स्टार्ट हो रहे हैं। ये सारे ही बहुत ही एस्थेटिक प्रोडक्ट्स हैं एंड आपके किचन या होम को ब्यूटीफाई करने वाले प्रोडक्ट हैं। सो आप अगर मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इस बार किचन मेकओवर में मैं एक थीम फॉलो कर रही हूँ, एक कलर थीम फॉलो कर रही हूँ जिसमें गोल्डन और वाइट का मेनली बेस है। सो मैंने ये गोल्डन कलर की एक कैडी मंगाई हुई है, दिस इज अ कटलरी होल्डर कैडी। सो इट्स अ बुलबुल कैडी कटलरी स्टैंड, इसमें एक मेश नेट लगी हुई है जो गोल्डन कलर से पेंटेड है, जो कि स्टेनलेस स्टील पर है, और ये इसकी क्वालिटी अच्छी है। आई मीन ये बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल भी बेंड नहीं हो रहा, काफ़ी मजबूत है, ये स्टेनलेस स्टील है। बट अभी इसे शूट करते करते कुछ ड्रॉबैक्स जो मुझे फील हुए मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़, इसमें सेल्फ ड्राइंग लिखा हुआ है, सेल्फ ड्रेनेज लिखा हुआ है। सो सेल्फ ड्रेनिंग सिस्टम इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसमें मेंशन है कि सेल्फ ड्रेनिंग, बस सेल्फ ड्रेनिंग नहीं है इसमें। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी होल नहीं है।
सो मेक श्योर इसमें कुछ भी आप रखो, कोई भी कटलरी, जैसे मेरे पास गोल्डन कलर की कटलरीज मैंने पिछले वीडियोस में शेयर करी है आप लोगों के साथ में, कुछ भी रखो उससे प्रॉपर ड्राई करके ही रखो, अदरवाइज इसमें जंग भी लग सकती है, ख़राब भी हो सकता है। वैसे तो स्टेनलेस स्टील है तो जंग तो नहीं लगनी चाहिए, बट नेवर नो, वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, बट ये ख़राब हो सकता है। सो उसे प्रॉपर ड्राई करके ही, ताकि उसमें कोई भी रस्ट वगैरह कुछ ना आए, उसको प्रॉपर ड्राई करके रखिए। एंड एक सजेशन और है, आप चाहो तो इसमें जो ग्लास के फ्लास्क आते हैं ना वो डाल के रखो, ग्लास फ्लास्क एक, और देन उसके अंदर कुछ भी स्पून वगैरह रखो तो अंदर स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे और वो प्रॉपर अच्छा भी लगेगा देखने में। यहाँ पर आप देख सकते हो मेश नेट लगी हुई है और ये बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसे शूट करते करते 2-3 बार ये मेरे हाथ में गड़ चुकी है। सो अगर आपके पास फ्लास्क या कुछ ऐसा हो तो उससे इसको ऐसे अंदर की तरफ दबा दो, या फिर यहाँ पर POP वगैरह या जो वुड पे यूज़ करने वाली POP आती है ना वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, ऐसा कुछ भी, या कोई भी क्ले या कुछ भी ऐसा लगा सकते हो यहाँ पर, जिससे कि आपके हाथ में गड़े नहीं। सो मैं ऐसा कुछ ज़रूर करूँगी, प्रॉपर यहाँ पर कोई क्ले लगा करके मैं उसको कलर कर दूँगी गोल्डन से, तो ये हाथ में गड़ने का चांसेस नहीं रहेगा, अदरवाइज़ ये गड़ सकता है। रेस्ट अगर आप बात करो ब्यूटी की तो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में एंड आपके किचन को बहुत ब्यूटीफाई कर देगा। अगर मेरे तरीके का कोई थीम फॉलो कर रहे हो तब तो ज़रूर जाना है ऐसी चीज़ों के लिए, ये बहुत वर्थ बाइंग है, ये बहुत रीजनेबल प्राइस में मैंने परचेज किया है गाइज। सो ये कटलरी होल्डर मैंने परचेज किया हुआ है 338 रुपीज़ में, एंड इसका आप लुक देखिए इतना वाव लग रहा है ये देखने में। और सबसे बड़ी चीज़ की क्वालिटी, ये बहुत स्टडी है, ये बहुत मजबूत है, बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट है। सो फ्रॉम माय साइड देयर इज अ बिग थम्स अप इसकी जो क्वालिटी के अकॉर्डिंगली, इट्स वर्थ बाइंग, यू शुड डेफिनेटली गो विद दिस वन। सो गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये गोल्डन कलर की बास्केट है। लेट मी टेल यू, ये पिक्चर में देखने में काफी बड़ी लग रही थी बट ये उतनी बड़ी नहीं आई है, बट मुझे कुछ कुछ अंदाजा था बिकॉज सेम मैंने इसका मेजरमेंट चेक किया था, इट्स फाइन। बट इसका जो मटेरियल है ये मजबूत है, ये बिल्कुल भी बेंड नहीं हो रहा है। सो इसे आप फ्रूट्स के फ्रूट्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हो, बास्केट की तरह यूज़ कर सकते हो, कुछ स्टोरेज करने के लिए यूज़ कर सकते हो, डाइनिंग पर कुछ रख के यूज़ कर सकते हो, कोई प्लांट रख के इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो प्लांटर की तरह, जैसे भी चाहो, जैसे भी कुछ DIY करो, कुछ दिमाग लगाओ अपने से, कुछ भी सोच करके आप इसको कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। इससे रिलेटेड मैंने एक रील ऑलरेडी शेयर की हुई है आकर्षा ब्यूटी पर, कि मैंने इसको नवरात्रों के टाइम में कैसे यूज़ किया था, कैसे इसको स्टोर की तरह यूज़ किया था स्टोरेज में, इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रखी थी, आप इसको वैसे भी करके रख सकते हो किचन में। सो ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। सो ये प्रोडक्ट मैंने परचेज किया था 583 रुपीज़ में, एंड अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ ये इस वक्त शो कर रहा है 519 रुपीज़ में, सो होपफुली ये और सस्ता हो गया हो। सो फ्रॉम माई साइड देर इज़ अ बिग थम्स अप, आप इस तरह की बास्केट के लिए जा सकते हो। इस तरीके की स्क्वायर शेप एंड रेक्टेंगुलर शेप में भी बास्केट अवेलेबल है, बट साइज छोटा है, ये मैं पहले आपको बता दूँ, साइज उसका बहुत कम है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, और ये प्रोडक्ट आपको बहुत पसंद आने वाला है। सो गाइस अब जो 2 प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उसको प्लीज़ ध्यान से देखना, बिकॉज इस तरीके की बहुत सारी रेप्लिका अवेलेबल है, ना सिर्फ ओनली मीशो पर बाकी के वेबसाइट्स पर भी, बट साइज़ का बहुत फ़र्क है। जब वो आती हैं तो या तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, या तो वो देखने में पिक्चर्स में बड़ी लगती है, सामने से बहुत छोटी होती है। तो ये जो प्रोडक्ट है मैंने अगेन मंगाया है ब्रांड दिकासा डेकोर से, जिससे मैंने केक स्टैंड मंगाया था पेपर फ्राइज से, जो मैं पिछले वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो ये है एक ऑर्गेनाइज़र, होपफुली इट्स विजिबल। सो ये इसका मटेरियल बहुत मजबूत है, ये बिल्कुल भी बेंड नहीं होने वाला है, ये काफ़ी मोटा और स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, ये ब्रास का बना हुआ है। सो बेसिकली ये एक स्नैक ऑर्गेनाइजर या बुफे सर्वर आप इसको कह सकते हो, ये गोल्डन एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में है, जिस कलर का मेरा थीम है किचन का। सो ये प्लेट्स अलग से डिटैच हो जाती हैं, ये तीनों ही प्लेट्स ये डिटैच हो जाती हैं, बहुत ही ध्यान से आपको यूज़ करना है। तो ये इस तरीके से अलग से पैक होकर के आई थी। सो इसको आप किचन में भी एज अ स्पाइस रैक भी यूज़ कर सकते हो, किचन में भी रख के इसमें ना जार्स वगैरह रख सकते हो। सो इट्स अप टू यू कि आप इसे कैसे यूज़ करोगे। मैंने तो इसे अपने किचन को ब्यूटीफाई करने के लिए, एक एस्थेटिक लुक देने के लिए परचेज किया हुआ है। सो मेरा ये पर्पस था, सर्वेयर की तरह मैं इसको यूज़ करूँगी, बट बहुत कम यूज़ करूँगी बिकॉज यहाँ पर गेस्ट बहुत ज़्यादा आते नहीं है, हमारे यहाँ बहुत ही कम आते हैं, ऑलमोस्ट नहीं आते हैं,
तो क्योंकि हम नॉर्थ को बिलोंग करते हैं और रहते साउथ में, तो यहाँ पर हमारे जाने वाले ज़्यादा लोग हैं नहीं। ये मैंने परचेज़ किया हुआ है 1340 रुपये में, और जो कि अभी अवेलेबल है आई थिंक 1310 या 1312 रुपये में। सो अभी इसका प्राइस और कम हो गया है, दिवाली की सेल चल रही है, आप फटाफट से इसको परचेज़ कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आपको ये बहुत कम रेंज में भी अवेलेबल होगा, आपको 600, 700, 800, 1000 रुपये की रेंज में भी ये मीशो पे ही अवेलेबल हो जाएंगे बहुत सारे सप्लायर्स के पास, बट क्वालिटी नहीं मिलेगी ऐसी। दिस इज़ द बेस्ट बाय, ये ब्रांड मुझे बहुत पसंद आया, इनकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है, इतना ये मजबूत है, इतना मजबूत, और ये मटेरियल ब्रास मटेरियल पे तो आपको नहीं मिलेगा इस प्राइस में, आई मीन 600-700 की रेंज में। तो थोड़े से पैसे और इन्वेस्ट करो और एक ऐसी चीज़ लो जो लॉन्ग लास्टिंग हो, अच्छा चले और टूटे नहीं जल्दी से, ख़राब नहीं हो, और एटलीस्ट साइज इतना होना चाहिए कि उसमें चीजें आ पाए, सिर्फ उसको शोपीस की तरह नहीं रखना हो, उसमें थोड़ा सामान आ जाए, तो उस अकॉर्डिंगली मुझे ये बेस्ट वही लगा। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज अगेन फ्रॉम ब्रांड दी कासा डेक्योर, एंड यू गाइज गोना लव दिस प्रोडक्ट। सो गाइज ये एक टू टीयर, होप इट्स विजिबल, टू टीयर केक स्टैंड है ये, गोल्डन एंड वाइट के कॉम्बिनेशन पे इसकी प्लेट्स अलग हो जाती हैं। ये आइवरी वाइट है, मार्बल फिनिश पे आ रहा है ये, एंड इट्स मेटल वन, ये मेटल का है, जो ये दोनों ही अलग हो जाते हैं। ये सारा कुछ डिटैच होकर के आया था, ये प्लेट एंड ये नट भी, ये ऊपर से जो ये जो स्टोन लगा हुआ है या जो भी है ये भी डिटैच होकर के आया था, इसको यहाँ से आप खोल करके अटैच कर सकते हो। बाकी ये पूरा इस तरीके का केज आया हुआ था, इसको आप सर्विंग प्लेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप होम डेकोर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू आप इसे कैसे ब्यूटिफाई करो। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, बेंड होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। मैंने इसका सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, इसकी रेप्लिकास भी देखी हैं मीशो पर, जिसमें लोगों के कमेंट्स भी थे कि वो बेंड होकर के आया, तो ये तो बेंड होने का सवाल ही नहीं उठता, ये इतना मजबूत और इतना स्टडी प्रोडक्ट है, ये बहुत काफ़ी मजबूत है। ये इससे रिलेटेड इसको कैसे यूज़ करना है, इसे सर्व वेयर की तरह या किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, इससे रिलेटेड एक रील मैं ऑलरेडी अपनी इंस्टा आईडी पर शेयर कर चुकी हूँ, आपको मिल जाएगी आकर्षा फूडी पर भी और आकर्षा ब्यूटी पर भी, यू कैन गो एंड चेक। लिंक्स भी आपको मेरे इंस्टा आईडी के मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन चेक। तो ये स्टेनलेस स्टील मटेरियल है एंड इसका जो डायमेंशन है दैट इज 23 बाई 42। मैंने बाकी प्रोडक्ट सेम सिमिलर प्रोडक्ट जिसका कि प्राइस 500-600 की रेंज में था, मैंने डायमेंशन चेक किया, वो इससे काफ़ी छोटा था, मजबूत नहीं था एंड काफ़ी छोटू सा था, उसमें ज़्यादा सामान भी नहीं आएगा, बट इसका साइज़ आप देख सकते हो, तो काफ़ी बड़ा है ये, का अच्छा खासा साइज़ है इसका, इसमें काफ़ी सामान आ जाएगा। और जैसा कि इस पे मेंशन है केक स्टैंड, तो इसमें प्रॉपर 1 से 2 पाउंड का केक बहुत आराम से आ सकता है, इतना स्पेस इसमें है। इसका मटेरियल है स्टेनलेस स्टील और ये मैंने परचेज किया हुआ है 1034 रुपीज़ में, 1034 रुपये में, एंड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू लुक, इट्स वर्थ बाइंग, यू शुड डेफिनेटली डेफिनेटली गो विद दिस वन। इनके मैं लिंक्स और प्रोडक्ट कोड मेंशन कर रही हूँ, प्लीज़ अगर आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर में इन्वेस्ट कर रहे हो, होम डेकोर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये ही वाला प्रोडक्ट कासा डेकोर वाला ही लेना। कासा डेकोर के शायद और भी आपको सेम नाम से मिल जाए वेबसाइट पर, बट यही वाले कोड से परचेज करना तो आपको सिमिलरली ऐसा मिलेगा, अदरवाइज कुछ रेप्लिका काइंड ऑफ मिल सकता है। सो फ्रॉम माई साइड देर इज़ अ बिग थम्स अप फॉर ऑल दीज प्रोडक्ट्स। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। सो अगर काम का लगा हो, पसंद आया, तो जल्दी जल्दी से क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, खूब सारा प्यार दे दो इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं सब्सक्राइब किया है, फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना, बिल्कुल मत भूलना। होपफुली ये इस मंथ की मेरी लास्ट वीडियो होगी एंड जल्दी ही आपको दिवाली से रिलेटेड एक दो वीडियो शायद दिवाली के पहले और मिल जाए, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट आई विल ट्राई। सो या दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।